जय हिंद, आप देख रहे हैं लोकसेवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल भारत पहुंच चुका है। बुधवार दोपहर को हरियाणा के अंबाला एयरबेस में राफेल विमानों की लैंडिंग हुई। राफेल विमान के भारत आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गदगद हैं। उन्होंने देशवासियों को इसके लिए बधाई दी है। वहीं हम आपको उन बहादुर पायलटों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी बदौलत राफेल भारत पहुँचा है। हमारे पायलटों की बहादुरी की वजह से राफेल 7000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र कर भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए उत्सुक है। जिन पायलटों ने राफेल विमान को भारत लाया है उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं। विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, एयर कमोडोर हिलाल अहमद, ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह, मनीष सिंह और रोहित कटारिया। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक त्रिपाठी की। राजस्थान के जालौर शहर के ब्रह्मपुरी में रहने वाले विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी कुश्ती के दांव पेंच के बाद अब आसमान में राफेल उड़ा रहे हैं। 2001 में एनडीए की परीक्षा पास कर उन्होंने अपने सपनों को उड़ान दी। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले अभिषेक त्रिपाठी ने एनडीए की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में वायुसेना में अपनी सेवाएं देना शुरू किया। इसके बाद फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर और अब अंबाला में विंग कमांडर के पद पर तैनात हैं। राफेल विमान लाने के बाद उनके पैतृक गाँव हरदोई में खुशी का माहौल है। परिवार को अपने बेटे की कामयाबी पर नाज है। अब बात करते हैं एयर कमोडोर हिलाल अहमद की। राफेल विमानों की डिलीवरी कराने में जम्मू कश्मीर के रहने वाले एयर कमोडोर हिलाल अहमद की भूमिका अहम थी। हिलाल मौजूदा समय में फ्रांस में भारत के एयर अटैच हैं। 17 दिसंबर 1988 को एक लड़ाकू पायलट के रूप में वायुसेना में शामिल हुए हिलाल अहमद 1993 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गए। इसके बाद 2004 में विंग कमांडर, 2016 में ग्रुप कैप्टन और 2019 में एयर कमोडोर बने। हिलाल अहमद की पढ़ाई जम्मू जिले के नगरोटा कस्बे में सैनिक स्कूल में हुई है। उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फ्लाइंग अधिकारी माना जाता है। उनकी कामयाबी जम्मू कश्मीर के उन हजारों युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है जो रास्ता भटक गए हैं। अब बात करते हैं ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की। ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह पहले MiG-21 के पायलट थे। इस समय वह 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में कमांडिंग ऑफिसर हैं। साल 2009 में उन्हें एयरक्राफ्ट और खुद की जान बचाने के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। बात 2008 की है जब हरकीरत सिंह स्क्वाड्रन लीडर थे। 23 सितंबर की रात MiG-21 को दो विमानों वाली अभ्यास अवरोधन उड़ान बाइसन में भरनी थी, लेकिन करीब 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवरोध प्रक्रिया के दौरान अचानक इंजन में आग लग गई और 3 धमाके हो गए। लेकिन हरकीरत सिंह से सूझबूझ से उन्होंने काम लिया और आग पर तुरंत काबू पा लिया और विमानों को सुरक्षित लैंड करवाया। अब बात करते हैं मनीष सिंह की। राफेल विमान को भारत लाने वालों पायलटों में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बकवा गांव के रहने वाले मनीष सिंह का नाम भी शामिल है। बलिया में प्रारंभिक शिक्षा के बाद मनीष सिंह की बाद की शिक्षा सैनिक स्कूल में हुई। यहीं से उनका झुकाव वायुसेना की तरफ बढ़ चला और वर्ष 2002 में वे भारतीय वायुसेना में पायलट बने। अंबाला और जामनगर के बाद 2017-18 के दौरान उनकी पोस्टिंग गोरखपुर में थी। अब बात करते हैं रोहित कटारिया की। गुरुग्राम के बसई गांव के रहने वाले रोहित कटारिया भी उस टीम में शामिल हैं जिसने राफेल विमान को भारत लाया। रोहित के पिता आर्मी से रिटायर्ड कर्नल हैं। अपने पिता से ही प्रेरणा पाकर वह भारतीय वायुसेना में भर्ती हुए। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और एक बार फिर से आप सभी देशवासियों को राफेल आने की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बधाई, जय हिंद।